दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे इंडिया की तीन बड़ी फिल्मों के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें दोस्तों सनी देओल की मूवी गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर आज 2 हफ्ते कंप्लीट कर रही है और दोस्तों ये मूवी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं दोस्तों बात करेंगे अक्षय कुमार की मूवी OMG 2 के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही दोस्तों रजनीकांत की मूवी जेलर के 15 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दोस्तों अभी तक के कलेक्शन के हिसाब से किस मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है, कौन सी मूवी हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर हिट, कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और साथ ही दोस्तों सनी देओल, रजनीकांत, अक्षय कुमार को इंडिया का नंबर 1 अभिनेता मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करें थे रजनीकांत की मूवी जेलर के बारे में। जेलर मूवी को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी में रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, मोहनलाल जैसे कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे। इस मूवी को 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों जेलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 48 करोड़ 35 लाख रुपए का और दूसरे दिन इस मूवी ने 25 करोड़ 75 लाख रुपए का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। जेलर मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन की बात करें, तीसरे दिन इस मूवी ने 34 करोड़ 30 लाख रुपये का इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों जेलर मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 241 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया। इस मूवी ने पहले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 411 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों जेलर मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें, दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इसी दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में 15वां दिन है और दोस्तों ये मूवी आज 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। अगर दोस्तों जेलर मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें 15 दिनों के, तो दोस्तों 15 दिनों में अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 580 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और दोस्तों जेलर मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है, जो दोस्तों 580 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है दुनिया भर से। और दोस्तों ये मूवी जल्दी बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी, बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 मूवी बन जाएगी। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की मूवी OMG 2 के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को गदर 2 के साथ रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी का बजट था 80 करोड़। इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस मूवी में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम जैसे कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं OMG 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों OMG 2 मूवी को पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था दोस्तों 10 करोड़ 26 लाख रुपये का और इस मूवी ने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 15 करोड़ 30 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया था। अगर दोस्तों इस मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन की बात करें, तीसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 85 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों OMG 2 मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 14 दिन का समय हो चुका। वहीं दोस्तों ये मूवी ने कल 13वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया तो आज दोस्तों ये मूवी 14वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। अगर दोस्तों इस मूवी के 14 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है 127 करोड़ रुपये और अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों देखना काफ़ी लाजवाब होगा ये कि मूवी दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन में शामिल हो पाती है नहीं, क्योंकि दोस्तों मूवी के जो कलेक्शन हैं वो दोस्तों आजकल बहुत ही कम आ रहे हैं। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की मूवी गदर 2 के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। इस मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन का समय हो चुका है। दोस्तों इस मूवी का बजट था 80 करोड़। इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। इस मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे और इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अगर दोस्तों गदर 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 40 करोड़ 10 लाख रुपए का और दूसरे दिन इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 43 करोड़ 8 लाख रुपए का। अगर दोस्तों गदर 2 मूवी के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें, तीसरे दिन इस मूवी ने 51 करोड़ 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था और इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़
63 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इस मूवी ने पहले हफ्ते में दुनिया भर से दोस्तों 369 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन का समय हो चुका है, जहां दोस्तों इस मूवी ने कल 13वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। आज दोस्तों ये मूवी 14वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 10 करोड़ से कम कमाई कर रही है। आज ये दोस्तों मूवी 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है अपने 14वें दिन। अगर दोस्तों गदर 2 मूवी के 14 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात कर लें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 420 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 553 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने तीनों मूवी को देखा तो आपको सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों आपका सबसे फेवरेट स्टार कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।